ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी विच कौम दे विलक्षण अणखीले अते जांबाज योधियां दा शहीदी दिहाड़ा मनाउण लई जुड़ बैठे गुरु रूप खालसा जीओ फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां ने गुरबाणी विच फरमान कीता है, जौ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान न कीजै। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक 1412 ते श्लोक 12 ते वधीक गुरु नानक पातशाह जी दा यह श्लोक है। ये श्लोक गुरु पातशाह ने सिख तो पढ़ लिया सी कि जे इस धर्म दे विच दाखला लेना है तां जदों भी मौका बने, जरूरत पए, जालम मंगारे, अत्याचार होए, जुलम दा नाश करन लई, मजलूम दी राखी करन लई अते खालसा पंथ दी अणख अते इज्जत नूं बहाल करन लई समा आए, उस वक्त सीस तली ते टका के शहादत दा पिरम प्याला पीण लई तैयार होके आना है। समय ने वंगारिया, जालमां ने अत्याचार किया, दरबार साहब नूं टैंकां ते तोपां दे नाल फौज ने हमला करके शीरखोर बच्चों समेत बीबियां बजुर्गां नौजवानों समेत शहीद कर दिता, अकाल तख्त साहब ढह ढेरी कर दिता, दरबार साहब का सीना विन दिता, तोशाखाना तबाह कर दिता, सिख रैफरेंस लाइब्रेरी लुट ली, कौम की अणख नूं वंगारिया। खालसा जी ये बख्शां हन गुरु महाराज दियां, अकाल पुरख दियां, दसम पातशाह ने खालसे नूं अकाल पुरखी फौज का दर्जा दिता है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। ये तिने सूरबीर, ये सिरनत योधे वाहेगुरु ने दसम पातशाह ने पहला ही इंदिरा गांधी के सज्जे ते खब्बे तैनात किए सन कि उन्हें जुल्म करना है ते उहदे जाल उहदियां जड़ां पुटणियां हन, उहनूं सज़ा देनी है। ये बख्शिश है गुरु महाराज। फिर बख्शिश होई किवें? एक दलबीर सिंह पत्रकार ने किताब लिखी है, उस विच उन्हें विशेष तौर पर जिक्र किया है कि एक बारी संत जरनैल सिंह ने आंदे दोए जड़े बैठे हाँ तो सह सुभाग गल की, मैनू आंदे भाइया इंदिरा गांधी नूं सोध ना देिए। आंदे मैं आख्या भी गल बहुत वड्डी आ, मैं इहदा जवाब नहीं दे सकदा। उन्हूं पता कदों लगा दलबीर सिंह पत्रकार नूं, जदों इंदिरा गांधी नूं सोध दिता, उस तो बाद पता लगा कि ये पलैन ते संत जरनैल सिंह ने पहला ही बनाई सी, पर क्योंकि उन्हें जुल्म की इंतहा करनी सी ते सिखां ने पंथ ने खालसे ने जुल्म का नाश करना सी, जालमां नूं चने चबाउणे सी, इस करके मौका बाद दे विच उहदे विच ही किताब दे विच भी यह जिक्र है कि जेड़ा बाद विच जदों दरबार साहब ते हमला होया ते DGP सी भिंडर, संत जरनैल सिंह दिल्ली गए, वह कार सेवा वाले बाबा जी का जेड़ा उत्थे स्थान सी वह उत्थे विराजमान सन, ते ये भिंडर आया उदों दिल्ली ही,
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਠੀ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤੱਕ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੇਦਨਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਥਾਪੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਥਾਪੜਾ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਰੋ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਉਹ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਧਰਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਮਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਛਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਆਉਣਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖ ਦਿੱਤੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣੀ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆਲੀ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ
इंदिरा गांधी का बड़ा भरोसेयोग सुरक्षा गार्ड सी, ये वो नहीं, वो उस दिन का मर चुका है जिस दिन इंदिरा गांधी ने दरबार साहब पर हमला किया। दसम पातशाह का खालसा वा, तो घबरा ना डरना, जो मैं कह रहा उन्हूं सुन ते साथ दे ते अगों वो जज्बा भाई सतवंत सिंह भी जा दे विच भी जाग पिया, ते उन्हें भी अगों एक बड़े व्यंगमई ढंग दे नाल कहा कि ये काम साडा वा, तुसी नहीं कर सकते। वो भाई बेंत सिंह जी बड़े खुश होए ये गल सुन के। फिर की होया कि भाई सतवंत सिंह नूं भाई केर सिंह दे नाल मिलाया, तो भाई केर सिंह ने भाई सतवंत सिंह नूं भी थापड़ा दिता, गल वकड़ी विच लिया, तो भाई बेंत सिंह ने दस्या कि आ मेरा साथ निभाएगा। भाई सतवंत सिंह नूं कहा कि छुट्टी लै घर पहुँच जा, जाके परिवार नूं मिलना, दिन निश्चित कर लिया कि इन्ने बजे, क्योंकि करफ्यू लगा हुंदा सी, ते थोड़ा समा सवेरे ते थोड़ा समा शाम नूं दरबार साहब दर्शनां लई संगत वास्ते खोलिया जांदा सी। भाई सतवंत सिंह घर पहुँच गया, भाई बेंत सिंह दी फोटो अपनी जेब विच पा ली, भाई सतवंत सिंह दी मंगणी बीबी सुरिंदर कौर जट्टा पछिया पिंड दे नाल होई सी, क्योंकि उन्हां दी भरजाई दी वासी दी धी ही, उत्थे जाके अपने घर दे विच अपनी माता नूं पिता नूं भाई बेंत सिंह दी फोटो विखाई, ते कहिंदा माता आ मेरा बड़ा गूढ़ा जा रहा, बड़ा गूढ़ा जा रहा, आपां हुण निभण दा फैसला कर लिया। ते नाल ही कहा कि मैं अपनी मंगेतर नूं वेखण जाणा, बापू तरलोक सिंह ने दाबा मारिया कि तू साडी रिश्तेदारी दे विच फिक पाउणा, तू भी वेख्या, उन्हें भी तेनू वेख्या, असी भी सारिया ने वेख्या, ते तू अज अजे, क्योंकि उस टाइम दे उत्ते अजे ये सभ्याचार नहीं आया एक दूजे नू वेखण दा, पर भाई सतवंत सिंह अपने पिंड विचों एक दोस्त नू लै के ते चोरी जो, क्योंकि परिवार ने रोक दिता, माता ने रोकया, पिता ने रोकया, पर उहदे मन विच की सी, वह कोई नहीं सी जानता कि उत्थे क्यों जा रहा। वो अपने दोस्त नू लै के चले गया, उस समय के अनुसार कि मैं उत्थों हो के ते मैं वापस आ के ते बसे बह के ते मैं दरबार साहब पहुँच जावांगा। उन्होंने आना, दोवां ने भाई केर सिंह, दो मिनट की समाप्त भाई, उत्थे जाके अरदास करनी आ अकाल तख्त साहब दे उत्ते, मावां धीआं दोवें रमदास बाबा बुढ़ा साहब जी दे स्थान ते मत्था टेकण आईआं सन, ते रस्ते विच ही मिल पईआं। भाई सतवंत सिंह जी रुक गए, फतेह बुलाई ते माता ने सुलह मारती, आंदी बेटा घर लै चलीए, ते उन्हें अगू कहा मैं ते पहले ही घर जाण वास्ते आया। ये गल बीबी सुरिंदर कौर ने दसी मैनू, वो कहिंदी कि मेरे मन में उस वक्त ख्याल आया, क्योंकि ये पहला आम बंदा सी, हुण ये पुलिस च भर्ती हो गया, तो हो सकता कि ये ना करन आया, तो ये कह दे कि मैनू पसंद नहीं। आंदी मैं माँ अपनी माता नूं उस वक्त ही लांभे करके कहा कि माता ये ऐह कम आया ही, तो क्यों ना मैं ही ना कर दिया, नहीं तो साड़ी भी, तो मेरी भी, तो साडे परिवार की भी अनसल्ट होएगी। आंदी मैनू माता ने रोकिया, घर चल गए, लै गई माता, उन्हां नूं जाके सेवा की, लंगर पानी भी छकाया, तो जिहड़ी बीबी सुरिंदर कौर की छोटी भैन सी भाई सतवंत सिंह की साली, उन्हूं उन्हें कहा कि अपनी भैन नूं कल कल्ली नूं कल मैं कोई गल करनी आ। बीबी सुरिंदर कौर कहिंदी नहीं गई, वह मैनू उन्हें दस्या कि मैं शरमा गई, वह नहीं गई। पर अखीर दे उत्ते जदों ये कारनामा हो गया, फिर अगली गल, भाई सतवंत सिंह ते भाई केर सिंह दरबार साहब पहुँच गए मिथे समय के उत्ते, इधरों भाई सतवंत सिंह लेट हो गया,
जा नहीं सकिया, बस लंघ गई उस टाइम के उत्ते नहीं जा सकिया, पर वो दोवें अरदास करके चल गए। अगले दिन भाई सतवंत सिंह ने अरदास की, ये भी दिल्ली पहुँच गया। वो जदों उत्थे पहुँचे भाई बेअंत सिंह नूं मिलिया, तो भाई बेअंत सिंह ने जिहड़ा कटाकछ भाई सतवंत सिंह ने भाई बेअंत सिंह ते कीता सी, भाई बेअंत सिंह ने कहा कि अज तू आ ते मैं आ, भाई तू टाइम दे उत्ते नहीं पहुँच सकिया। भाई सतवंत सिंह ने जिथे खिमा मंगी, अपनी मजबूरी दसी कि कहानी आ हो गई सी, इस करके मैंने आख्या मैं भी अरदास कर रहा हाँ, हुण तैयारी आ। ते आखिर दोवां ने वो कारनामा कर विखाया। इंदिरा गांधी नूं दुष्ट नगर दे विच पचा के जकारे गचाए, भाई बेअंत सिंह ने कहा वी डिड वट वी वांट यू डू वट यू वांट, ये इंग्लिश दे विच भाई बेअंत सिंह ने कहा। तो वो कहिंदे ने भाई सतवंत सिंह ने दस्या कि जे असी ये योजना बनाई होंगी कि असी इतों बच के निकलना सी तो असी बच के निकल सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं सी, पर असी ये सोचा ही नहीं सी। अखीर दे उत्ते उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया, लै गए इंडो तिब्बतन के दफ्तर के विच, उत्थे उन्हें हैंकड़ दे विच गाल कर दित्ती। भाई सतवंत सिंह ने उन्हूं भी चुक के मारिया, उन्हें वेख्या तो साढ़े अफसर नूं भी लै गया। वह गोली जदों चलाउण लगा भाई बेअंत सिंह उहदे उत्ते छेती नाल छाल मार के पै गए, दोवां नूं गोलियां लग गईआं, भाई बेअंत सिंह शहीद हो गए, भाई सतवंत सिंह जख्मी हो गए। अगे फिर भाई केहर सिंह ते भाई सतवंत सिंह नूं फांसी दे उत्ते लटकाया गया, दोवें जकारे बुलाउंदे शहादतां पिरम प्याला पी गए। बख्शिश गुरु दी पहला ही तैनात किया सी दोवां सूरबीरां नूं, ते सारी जिहड़ी आ जिहड़ा जज्बा भरिया वो भाई केहर सिंह जी ने भरिया। ये भाई केहर सिंह जी का नगर है, लेकिन ये पहला मौका है कि भाई केहर सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा इत्थे मनाया गया। अज अगले साल तों ये शुरू हो गया, पहला भाई सतवंत सिंह जी का भी जदों मनाया जाता ही इन्नी की संगत होंदी सी, रोकां भी पाईआं जांदियां सी, पर हुण उत्थे विशाल इकट्ठ हुंदा। ते इसे तरह ही आने वाले समय के नगर में भी साथ देना चाहिए, नगर के पतवंतियों को भी जिम्मेवारी चुकनी चाहिए है, तो इलाके संगतों का जथेबंदियों का भी सारा फर्ज बनता। ये वो शहीद ने जिन्ह ने कौम की आनक इज्जत कायम रखद्या होया दुष्ट का दमन किया, दुष्ट नगर के पहुँचा के आप शहादत का पिरम प्याला पी के स्वर्गों में बजा जा विराजमान होए। गुरु की गोद के गुरु की गोद का निग मिलिया, अकाल पुरख की दरगाह के सुरखरू हो के गए। शहादत सब तो वधिया मौत है, एक आई एक अणआई ते एक शहादत, ते शहादत दे के उन्होंने कौम का सुनहरी इतिहास सिरज दिता, वो सदा लई चमकता रहेगा सुनहरी अखरां दे विच। ते आओ इस दिन के उत्ते पढ़न करिए, जीवना अणख नाल ते मरना शेरां दी मौते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।